प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में लगभग 31.520 करोड़ रुपए की लागत से 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित रेलवे के अधिकारी उपस्थित हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियाद ढांचा परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री का लाइव कवरेज भी दिखाया गया। वहीं इस अवसर पर दुर्ग रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, दुर्ग एसपी सहित रेलवे के अधिकारी शामिल रहे। लेकिन एक लोगों मन में चिंता है, ये बहुत हमारे भानु प्रतापपुर दल्ली नारायणपुर तक के जाने के लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये यात्रा का। 24 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में अंकित होने जा रही। ऐसा निष्काम कर्मयोगी प्रधानमंत्री मिला है जो बिना थके बिना रुके अनवरत रूप से। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने लगातार रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इसी कड़ी में आज देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रयास के तहत एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास और 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें ये रोड ओवरब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। आते जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है आने जाने का, लोग इसमें आते हैं जाते हैं। आप कभी टीटीएम में जाएंगे तो मरोदा में तो एक मेला लगा रहता है यहाँ आने जाने लोगों का, लेकिन आपके जो कहीं कहीं कुछ तकनीकी चूक है कि डेवलपमेंट कारण है कि क्या कारण है जिससे लेट होता है, उसे हमारे भाइयों को आने जाने में थोड़ी असुविधा है। आपसे आग्रह है कि बहुत छोटा सा मांग है ठीक, मेरे ख्याल से डीआरएम साहब भी चाहें तो उसको अपन कर सकते हैं। ये टाइम में जाए, टाइम में आए डीडीएम, यही मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। आप सब बुलाएं, सम्मान दिए। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास तथा रोड ओवरब्रिज रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। इसके तहत पुनर्विकसित किए जा रहे 21 स्टेशनों तथा 88 रोड ओवरब्रिज अंडरब्रिज का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। वहीं इस संबंध में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपनी जानकारी मीडिया को दी है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि लगातार पूरे देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले एक हफ्ता से अनेक सौगात दे रहे हैं। जैसे पहले हुआ हमारा IIT और अभी EMI हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा बड़ा पावर स्टेशन, सोलर पावर स्टेशन चरोदा में, उसकी सौगात हमें मिली पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी। और साथ ही साथ आज हमारे जो जितने भी 554 रेलवे स्टेशन पूरे देश में और 1500 अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण हो चुका है, होने वाला है उसका लोकार्पण, भूमि पूजन। साथ ही साथ हमारे दुर्ग में रसमड़ा परसदा, अंडा परसदा, दुर्ग भिलाई नगर, भिलाई 3, डी केबिन, कुगदा, परसदा, इन सब जगहों में अंडरब्रिज के निर्माण और बृहद रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है, उसके लोकार्पण भूमि पूजन में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो लगातार इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगे हैं। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर हमें अनेक व्यवस्थाएं मिल रही है। ये सब सौभाग्य देने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब सतत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।